पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लगवा लटका दिया जाता है उनको। अब दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहन और भाइयों उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था और बहनों और भाइयों उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। बहनों और भाइयों यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है इसका एक ही विजन है और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना, क्योंकि इसी में आपका भविष्य भी उज्जवल है और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल है।